નમસ્કાર, એક્ઝિટિક વેબ ઇન્ડિયા ડિજિટલ ચેનલમાં ફરીથી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ખૂબ જ સરસ અહીંયા ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન અને ડાન્સ કોમ્પિટિશન કરી છે. ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશનનું રિઝલ્ટ તમને 16 ફેબ્રુઆરીના મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર જોવાનું રહેશે. અને ડાન્સ કોમ્પિટિશનનું રિઝલ્ટ આજે પહેલી વાર અમે આપ સૌની વચ્ચે ડિક્લેર કરી રહ્યા છીએ. હંમેશા અમે એવું જ કરતા હોઈએ છીએ કે બહુ લેટ થઈ જતું હોય છે, એટલે લેટ એનાઉન્સમેન્ટ થતું હોય તો અમે વાલીઓને એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ ઘરે જઈને આપ જોઈ લેજો લાઈવ. બટ આજે આ સૌની સામે અમે રિઝલ્ટ મૂકી રહ્યા છીએ. તો રોહિત સરને હું વિનંતી કરીશ કે આજનું સોલો ડાન્સનું પહેલાં આપણે રિઝલ્ટ આપીશું. થેન્ક યુ એક્ઝોટિક મીડિયા, અમે યામિની જી ઓર મનોજી કા બહોત શુક્રિયા અદા કરના ચાહુંગા કે ઉન્હોંને મુજે યહાં પે એક અપોર્ચ્યુનિટી દી ઓર આપ લોગો કે સાથ જુડને કા મોકા દિયા. દેખીએ પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સે પહેલે એક ચીજ બોલુંગા કે જીતને ભી ડાન્સર્સ હૈ, જીતને આર્ટિસ્ટ હૈ, આજકલ યુટ્યુબ કો બહોત ફોલો કરતે હૈ. બટ આપકો માલુમ હૈ કે આપ લોગ યુટ્યુબ તો ફોલો કરતે હૈ લેકિન સિર્ફ અપને મતલબ કે લિયે. આપ વિડિયો દેખ લેતે હૈ ઓર છોડ દેતે હૈ. આપકા એક કિસી ભી વિડિયો કો અગર આપ દેખેં તો આપ ઘર બેઠે બેઠે કિસી ભી આર્ટિસ્ટ કા કેરિયર બના સકતે હૈ. अगर आप उसका वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेट का खर्चा तो उतना ही लगना है. उसको लाइक करें और उसका फीडबैक जरूर दें. किसी का भी वीडियो देखें आप, ताकि घर बैठे बैठे एक आर्टिस्ट किस लेवल पर पहुंच जाएगा आप नहीं समझ सकते हैं. आपने 3 मिनट का वीडियो 1 मिनट देखा तो उसको 1 मिनट मिलता है, क्योंकि आप जैसे सब डांसर्स है घर बैठे बैठे सीखते हैं यूट्यूब से. बट साथ में जरूरी है कि उसको यार लाइक करो, मैसेज जरूर छोड़ो, फीडबैक जरूर दो. तो आपकी एक क्लिक एक वो सब कुछ एक आर्टिस्ट को करियर को अपला सकता है. सो सभी डांसर्स जितने भी हैं, तो अगर अगली बार वीडियो किसी का भी देखें, पेरेंट्स भी, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको फीडबैक जरूर दीजिए. वो काउंट होता है, आपको नहीं पता उसका एक लेवल आप होता चला जाता है आपकी क्लिक से. सो वैसे ही यहाँ यूट्यूब में हम लोग भी लाइव में जा रहे हैं. सो आज का ये जो कॉम्पिटिशन था फेसबुक लाइव था, तो आप लोग प्लीज वापस घर जाके इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, अपने फीडबैक जरूर दीजिए और रेटिंग जरूर दीजिएगा. नाउ मैं अनाउंस करना चाहूंगा सम स्पेशल प्राइजेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, लेकिन जरूरी होता है कि स्पेशल भी हो जाए. सो स्पेशल में मैं जाना चाहूंगा, बिगिनिंग करूंगा स्नेहा शर्मा. अगर वो नहीं है तो उनके बिहाफ आप आगे कोई भी ले सकता है. ये सब मेरे मम्मा है आपकी, स्नेहा शर्मा. फाइन. सेकंड स्पेशल प्राइज तन्वी. कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर गुड जॉब बेटा. मैं चाहूंगा मनोज जी को भी अपने हाथ से दें. तन्वी के बाद बोल रहा हूँ प्ले नहीं बेटा बस तन्वी वहीं रुकना वहीं रुकना. जिनको भी प्राइस मिला है वो सब इधर ही रहेंगे, ग्रुप फोटो भी लेना है बाद में. प्ले स्पेशल प्राइस नेक्स्ट निधि. શર્મા
उनके स्कूल के टीचर भी होंगे तो चलेगा, क्योंकि परमिशन के बिना बच्चे आ नहीं सकते। घनश्याम राणा, घनश्याम राणा हर्षिका वाघ, हर्षिका वाघ खुशी लग रहा है यार। यहां तक थे स्पेशल प्राइज। अब सोलो डांस की तरफ जब जाएंगे, प्राइस की तरफ सोलो प्राइज, सोलो प्राइज में मैं थोड़ा सा उसको स्पेशल में नहीं जा सकता, क्योंकि तीनों को जस्टिफिकेशन मेरे लिए जरूरी था। थर्ड प्राइज गोज टू, देयर इज अ टाई बिटवीन थ्री पीपल्स, सुहाना भट्ट, सोनाक्षी भट्ट एंड दिव्यांशी पांडे। मतलब ये तीनों मुझे एक ही लेवल के लगे, तो मैंने उनको अट्रैक्ट किया कि तीनों डिजर्व करते हैं थर्ड प्राइज के लिए कॉम्पिटिशन में। बहुत ही बढ़िया। अभी सेकंड प्राइस प्राइस हम अनाउंस करेंगे। सेकंड प्राइस गोज टू ग्रीन स्टेप से, और अगर मैं कहता हूं तो अच्छा जा सकता है कंटेंडर भी, इन्होंने वर्कआउट किया था। शी इज नन अदर देन सोनाली राजपूत। सोनाली राजपूत सिर्फ स्क्रीन पे थोड़े एक्सप्रेशन जो और वर्कआउट की जरूरत है। एंड फर्स्ट प्राइज डेफिनेटली आई थिंक आप सभी जानते होंगे, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर दुश्मन नहीं मैट लावली। देखिए जब आप स्टेज पे डांस कर रहे होते हैं, एक होता है डांसर्स लुक, एक होता है हीरो वाला कैरेक्टर। तो जो मल्टी हो जिसमें सेल्फ भी एक्सप्रेशन भी, जो लोगों को सिर्फ चेहरे से बांधे, ताली बनती है इसके लिए ना। और सबसे पहले बोला था जैसे कि लोग लेके आएगा, यही लेके आया है। ठीक हो, उसको पता है हमें जो प्राइस मिलने वाला है, सर्टिफिकेट ऐसे ही पकड़ के रखा था उसने। अरे कुछ चीजें ऐसी होती जो अपने आप ताली बजाने में मजबूर हो जाते हैं इंसान, तो उसका भी फॉर्म। भी चल रहा ना, अब हम लोग प्रोसीड करेंगे ग्रुप डांस की ओर। स्पेशल प्राइज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एलिश बोगरा को, सेकंड ग्रुप एलिश बोगरा सेकंड ग्रुप, क्योंकि जहां ग्रुप परफॉर्मेंस था वहां एलिश का काफी डिस्टेंस आ गया, बट इन्होंने अपना बेस्ट दिया है। एलिश बोगरा ग्रुप टू, जो ग्रुप टू एलेश बोगरा ग्रुप टू, इसमें 19 बच्चे थे। ओके, हम बच्चे हिंदुस्तानी वाले, जितने भी बच्चे हैं इधर सब आ जाइए, अगर नहीं है तो टीचर आप आ जाइए और ले लीजिए बाकी का। 19 बच्चे थे, 19 का सबका हम दे रहे हैं।
जल्दी से आइए प्लीज। हाँ मैम, जो भी टीचर्स आइए सब आ जाइए ऊपर। जाइए अंजलि मैम, सब लोग। साउंड थोड़ा सा म्यूजिक बजाते रहिए। कई बार जो नहीं आप टीचर ने आप जाइए हमें आ गया कितने बार इतना मैडम ने अपने आप जाइए ऐसे कि मैडम बस बता रहे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूरा मैडम को और हमारे जो और थे पावर्ड बाई जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया था वो है सिद्धार्थ लाइन प्राइवेट लिमिटेड, उनका भी मैं खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी वजह से आप ये सब प्रोग्राम हम कर रहे हैं। विक्रम भाई और दीपक भाई की खुद खूब आभारी हूँ मैं। और अभी हम ग्रुप डांस में नंबर 3 पे हम अनाउंस करने जा रहे हैं राइजिंग स्टार नंबर 3 पे। ग्रुप डांस नंबर 3 पे जिसमें 11 बच्चे थे जी प्लीज आ जाइए जल्दी से। हाँ सब बच्चे बैठ जाएं। एक्सोटिक बैटिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट डांस कंपटीशन एंड ड्रॉ कंपटीशन ये आप देख रहे हैं डांस कंपटीशन का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और जिनको भी नंबर मिला है जो भी विजेता हुए हैं सबको एक्सोटिक वेब मीडिया परिवार की ओर से बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत ही आगे बढ़िए ऐसा शुभकामनाएं हम पूरे टीम की ओर से और हमारे जजेस ने इतना अच्छा जजमेंट किया है। हमारे जो जजेस थे इतने अच्छे थे, इतना अच्छा उन्होंने जजमेंट भी किया है। आप सबको पसंद आया जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अभी सेकंड नंबर पे सुदर्शन विद्यालय, उसमें 12th स्टूडेंट थे वो, बट अभी निकल चुके हैं तो बाद में लेंगे। और फर्स्ट प्राइज जिनको मिलता है वो है कौन हो सकता है? यस एसटी जय, हाँ प्लीज आ जाइए जल्दी से स्टेज पे आ जाइए। एसटी जय के बच्चे आ जाए फर्स्ट प्राइज ग्रुप डांस में, जिसमें 5 लोग थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और विकी सर को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। विकी सर के लिए हम एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। विकी सर ने भी बहुत मेहनत करवाई है सो उनका बनता है कि उनको भी किया जाए। एक्जोटिक वेब मीडिया के सीईओ मनोज सर, मुझे भी आज सर बोलना पड़ता है, वो बीटी को खास तोहफा देंगे। उनका हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो हर बार हमारे चैनल में अपने बच्चों को पार्टिसिपेंट करवाते हैं, स्कूल में बच्चों को भी पार्टिसिपेंट करवाते हैं। सो विकी सर को मैं एक बात पूछना चाहूंगी, विकी सर कि आप मतलब मुझे कितने सालों से जानते हैं और मेरे बारे में कुछ लोगों को बताए तो पता चलेगा ना यार
कि मैं क्या हूँ। छोटे बच्चों के लिए एक मूवी सजेस्ट करूंगा, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बच्चों के लायक भी है, पेरेंट्स के लायक भी है। जो हुकुम मेरे आका आप सर्च करिए, पूरी फैमिली के साथ देखिए, सीरीज मतलब देखिए तो आपको पसंद आएगा, बच्चों के लिए गुड मैसेज है। और इफ यू वांट टू फॉलो मी देन यूट्यूब पे आप रोहित स्पेस एमजे स्पेस 13 पे फॉलो कर सकते हैं, रोहित स्पेस एमजे स्पेस 13 सेम टिकटॉक पे मिलेगा। आप सब बैठिएगा, हम सर से डांस परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। और अभी हमारे तीनों जो जजेस थे उनका मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि आज इतने मतलब बेसिक शेड्यूल्स में आप लोग आए, इतना अच्छा जजमेंट किया, सबको इतना प्रोत्साहित किया, तो थैंक यू सो मच एक्जोटिक परिवार की ओर से, थैंक यू सो मच। और अवनी जी कुछ कहना चाहती है तो मैं उनको बोलती हूँ कि फिर कुछ बोले। सबसे पहले तो हर पार्टिसिपेंट को कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि स्टेज पर खड़ा रहना मुश्किल होता है, तो आप लोगों ने यहाँ पर आकर परफॉर्म किया, तो ऑल आर विनर्स। बोलने के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू डांसिंग, लेकिन एक सजेशन मैं देना चाहूंगी एज अ डांसर। जैसे हमने यहाँ पर एक ग्रुप को छोड़कर हमने बच्चों को देखा, एक ग्रुप ही कॉलेज का था जो 18 या 19 ईयर्स के रहे होंगे, बाकी सब बच्चे थे 15 साल से नीचे थे। बहुत कम, हमने जो स्पेशल प्राइजेस कुछ दिए वो उनकी एज को देखकर दिए, कहीं पर हमको बचपना नहीं देखने को मिला। जो एक्सप्रेशंस बच्चों ने दिए वो बच्चे वाले एक्सप्रेशंस नहीं थे, आई एम वेरी सॉरी टू से। हमारे पास बहुत है बच्चों के गाने जो हम उनको करवा सकते थे। ऐसे डांसिंग बहुत अच्छा हुआ, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बच्चों को हम बच्चे रहने दें तो ज्यादा अच्छा है। वो 18, 19, 21 के हो जाएंगे तब ये करने ही वाले हैं। वी विल नेवर अप्रिशिएट कि हमारा बच्चा स्टेज पर डांस कर रहा है, हमारी बेटी डांस कर रही है और पब्लिक में से सीटी बजे, नो, वो एरोटिक डांसिंग हो गया। एरोटिक डांसिंग हुआ जो हम बॉलीवुड में देखते हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशंस गर्ल्स दे रही है, छोटी लड़कियां हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स आल्सो एंड द टीचर्स आल्सो कि हम ऐसे स्टेज पर ऐसे डांसेस लाए जहां हमारे बच्चे बच्चे लगे, फिर वो करने ही वाले हैं कॉलेज में जाके उनकी एज के, तो एज अकॉर्डिंग अगर हम डांस करते तो और ज्यादा मजा आता। ये बहुत अच्छा था, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, एक सजेशन है कि बहुत सारे गाने हैं बच्चों वाले, इसलिए हमने वो जो स्पेशल प्राइजेस दिए उसमें बच्चे वाले थे। एक बेटी ने बहुत अच्छा किया हम लोगों को समझ सको, फिर एक बहुत छोटी बच्ची जो तीनों शायद चले गए हैं, बहुत अच्छा किया, वो देखने में अच्छा लगा, सबके चेहरे पर स्माइल थी। और बाकी के जो डांसेस हुए बहुत अच्छे हुए, लेकिन सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट था जो हम बच्चों में हमको वो एक्साइटमेंट अभी से न लाए। दिस इज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड अ सजेशन कि ऐसा हो तो और ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू अमी जी। और जो इतने भी पार्टिसिपेंट है वो स्टेज पे आ जाए, रोहित जी के साथ हम डांस करेंगे 5 मिनट, उसके बाद एंड होगा।
जल्दी से साउंड बजा दीजिए। पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ मैं चाहूंगा कि जो पेरेंट्स है वो भी जगह पे खड़े हो जाएं, लाइट ऑफ करेंगे, सीख ही जाएंगे कुछ तो। और जो भी अपने यहाँ पे फोटो वगैरह खींचे हुए हैं सो मुझे टैग करिएगा, मुझे पता चलेगा या भी सुमन या फेसबुक पे ही है। थैंक यू, प्लीज साउंड बजा दीजिए, जिनको भी डांस करना है सब आ सकता है। बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डांस परफॉर्मेंस करेंगे रोहित जी के साथ। प्लीज साउंड फोटो फोटो प्लीज बता।